नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं punjabkesari.com। पुराने समय में राजाओं के पास कई तरह की सुरक्षा होती थी और उन्हें कई तरह से सुरक्षा दी जाती थी, कई अस्त्रों से तो कई शस्त्रों से। ऐसे में एक राजा को परास्त करने के लिए कई तरह के चक्रव्यूह रचे जाते थे जिससे उनके सुरक्षा को समाप्त कर राजा पर प्रहार कर जीत हासिल कर सके। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर हम आज राजा की सुरक्षा की बात क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता चल ही चुका होगा कि बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की सुरक्षा केवल खास व्यक्तियों को ही दी जाती है। वैसे बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र शास्त्री के भक्तों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ी है कि अब उनके भक्त विदेशों तक में हैं और अब उनकी संख्या करोड़ों तक में पहुँच चुकी है। वहीं कुछ दिन पहले बिहार में उमड़े उनके भक्तों की संख्या ने सभी को हैरान कर दिया था, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार के गृह विभाग की तरफ से उनकी सुरक्षा को बढ़ाते हुए उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि वाई कैटेगरी की सुरक्षा में किस तरह की सुरक्षा दी जाती है। दोस्तों, सुरक्षा के नाम पर एक दो कमांडो समेत 8 पुलिस के जवान होते हैं। ये जवान CRPF के होते हैं। वहीं जिन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिलती है उनके साथ ही इन जवानों का घेरा रहता है। इसके अलावा उन्हें 2 PSO दिए जाते हैं और यह सब इंस्पेक्टर के रैंक के होते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या अब धीरेंद्र शास्त्री की सुरक्षा इससे भी ऊपर की मिल सकती है, यानी वाई ग्रेड से ऊपर? और इसका जवाब हम आप पर छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ हम अंत में यह भी बताते चले कि इस समय अगर किसी के पास सबसे बड़ी सुरक्षा है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो दोस्तों, कैसे लगी यह तमाम जानकारी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।